सोइस आप लोगों ने एग्जॉस्ट साउंड सुनी MT-03 की, ठीक है, बट एक और चीज आपको बता दूं, ये जो बाइक है ना अभी लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में एंड इसकी जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा रखी है, बताऊंगा आपको। एंड जो इसकी ऑन रोड प्राइस है वो तो आप लोगों को मतलब एक बार के लिए डरा देगी। इसकी जो प्राइस है ना 2,80,000 में सोच के चल रहा था और मैक्स टू मैक्स 3,20,000। जब डीलर से बात हुई ना तो उन्होंने यही बोला कि यार 2,80,000 या फिर जो है 3,00,000 के आसपास आएगी, इससे ज्यादा बाइक की प्राइस नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब डीलर्स को भी आइडिया नहीं था कि इसकी प्राइस क्या होगी, लेकिन जिस दिन लॉन्च हुई उस दिन मैंने देखी कि यार इसकी जो प्राइस है वो 4,60,000 के करीब है एक्स शोरूम, मतलब जहां ऑन रोड भी नहीं जानी चाहिए थी ना वहां थी। तो ये देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मैं कह भाई अब कौन लेगा इस बाइक को। कहीं ना दिमाग में एकदम से ये आया कि यार ये कोई गलती तो नहीं होगी कहीं आमा से, बट नहीं, गलती नहीं थी ये भाई इनकी समझदारी थी। अब मेरे को नहीं पता इन्होंने कहां से कौन सा अपना टाइटेनियम दिमाग लगाया है जिसके बाद इन्होंने ये प्राइस रखी। मतलब इसमें ना मैं ऑन रोड भी ना लूँ, यदि ऑन रोड आए ना तो भी मैं इस बाइक को ना लूँ वहाँ पे, क्योंकि ऑन रोड ही ये 3,50 के आसपास जो है जाती ना तो शायद बिक पाती। अभी जो इसकी प्राइस है ना ये काफ़ी ज़्यादा रख दी इन्होंने, 4,60,000 एक्सश्योर, मतलब ऑन रोड जो है ये 5,00,000 के करीब जाएगी, 5,00,000-5,10,000 इसके करीब जो है ये ऑन रोड जाने वाली है। उसके बाद बाइक जो है ना, अब इस प्राइस के बाद आप लोग ये नहीं पूछोगे बाइक में पावर क्या है, लुक्स कैसे हैं, वो सब आप लोगों ने ऑलरेडी पहले देख रखे थे, इन चीज़ों के लिए कोई वेट नहीं कर रहा था। मेन जो चीज़ थी ना वो यही थी कि यार बाइक की प्राइस क्या है। तो बाइक की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा रख दी कि अब कोई लेना भी मत, मतलब जिसने ले ली ना समझ लेना कि गले में सांप डाल लोगे आप इसको लेके, क्योंकि इसको आप बेचने भी जाओगे ना 1 साल 2 साल 3 साल बाद तो इसकी आपको हाफ वैल्यू मिलेगी, मतलब 2-2.5 लाख के करीब आपको पैसे मिलेंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। बाइक नो डाउट काफ़ी बढ़िया है, बट यामा यार मतलब कहाँ से इतना दिमाग आया कि उन्होंने ये प्राइस रख दी, क्या सोच के रखा भाई। बंदा MT-15 ले लेगा 2-4 लाख में ऑन रोड, क्यों लेगा वो ये 300 cc की, उसमें भी उनके लाइक जो है उतने ही पैसे लगने, वो 3,00,000 में और 4,50,000-5,00,000 में ना बंदा 3 MT-15 ले लेगा, बताओ फिर क्यों बंदा इसके तरफ जाएगा। लेकिन सीन ये ना कि वो 2 लेके भी फिर वो जो है वो फील नहीं आएगी जो इस अकेली में, तो अब सिर्फ उस चीज़ के लिए अपने को इतने ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं कि इतने पैसे में हम कोई स्विफ्ट या फिर बलिनो ले सकते हैं सेकेंड हैंड, जो कि सर्दी से भी बचाएगी, हवा से भी बचाएगी, पानी से भी बचाएगी। लेकिन अब ये बाइक इतनी महंगी है कि यार इसको लेने के लिए ना आपके अंदर जिगरा होना चाहिए या फिर आप बिल्कुल ही हार्ड कोर फैन होना यामा के, तो आप इस बाइक की तरफ जाओगे। इसमें इंजन ट्विन सिलेंडर आता है, 321 cc का इंजन है, ठीक है, बढ़िया है, बट इससे बढ़िया हम ड्यूक 390 ना ले लेंगे, वो इससे कई गुना सस्ती है, मतलब कहीं ज़्यादा सस्ती है, और इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो शायद नहीं दे पाएगी, बट ऑलमोस्ट टक्कर देने वाली बाइक है वो भी, क्योंकि उसका भी टॉप एंड अराउंड 170+ जाता है और इसका भी अराउंड उतना ही जाएगा, तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बराबर है, बस फर्क इतना है कि वो सिंगल सिलेंडर या ड्यूअल सिलेंडर है। उसी चीज़ के जो है यामा ने इतने प्राइस रखे हैं, और यामा को जो ना सर घूम गया होगा यार एक बार तो, कि यार एक भी बुकिंग नहीं आई अभी तक जो है ना, सही बता रहा हूँ, उनके पास कोई बुकिंग नहीं की होगी। हाँ, कोई उनके फैमिली मेम्बर है या फिर कोई भाई ज़्यादा ही मतलब है इनके, जितने ये बड़े बड़े मीडिया पब्लिशर है ना, इनको खूब पैसा मिलेगा दबा के सिर्फ इसके प्रमोशन के लिए, और वो आप लोगों को बोलेंगे कि आप लो। लेकिन अब की बार ना सब कुछ उल्टा हुआ है, जो इवेंट में बुलाए थे ना इन्होंने जो BIC में, सही है मेरे पास मीडिया इन्वाइट नहीं आया, वरना मैं वहाँ जाके भी इस बाइक को चलाना पसंद नहीं करता इसकी प्राइस सुन के, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइस में सीरियसली कोई नहीं खरीदने वाला, और गलती से कोई मत खरीद लेना, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना काफ़ी ज़्यादा टूटने वाली है, काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स इसमें आएंगे, डीलर देगा देखना 1,00,000 रुपए के डिस्काउंट थोड़े दिन बाद, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं इसको, डीलर भी मतलब एक बार सोचेगा कि यार इस बाइक को मंगाऊँ ना मंगाऊँ, क्योंकि बाइक जो है ना उसने भी मंगा ली ना तो वो बेच नहीं पाएगा, वो मुश्किल से शायद एक एक यूनिट मंगाएगा R3 की भी और MT-3 की भी, ठीक है, कोई ले ली तो ले ली, वरना कोई नहीं लेने वाला इन दोनों बाइक्स को। इनसे बढ़िया आप लोग RTR 310 ले लो, ठीक है, Duke 390 ले लो, सबसे बेस्ट तो वही है। RTR को मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँ क्योंकि वो भी मेरे को इतनी पसंद नहीं आई, Duke 390 इसकी रिप्लेसमेंट बोल सकता हूँ मैं, कि हाँ एक अच्छे बजट में ना आप उस बाइक की तरफ जा सकते हो। वो जो बाइक है ना वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन ये जो बाइक है ना बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, मत खरीदना इस बाइक को, गलती मत कर देना। हाँ, आपके पास पैसे हैं भाई भयंकर तो आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो मेहनत की कमाई से ले रहा ना बिल्कुल भी मत जाना इस बाइक की तरफ। तो ये जो ना एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि आप लोग सिर्फ इतना कहना था कि भाई ये जो बाइक है ना बाइक बढ़िया है, बाइक में कोई कमी नहीं है, लेकिन कंपनी ने जो ये मतलब हरकत की है ना यार इतना प्राइस रख के, सीरियसली समझ नहीं आया, क्या तुम 4-5 लाख का इंजन दे रहे हो यार, क्या इसमें इंजन के अलावा कुछ भी नहीं है, इंजन की कॉस्ट नहीं है, उसके बाद है ही क्या इस बाइक में, सब कुछ वही है, बाकी के पार्ट्स यदि मैं साइड में रख दूँ ना इंजन के अलावा तो मुश्किल से उनकी 70,000-80,000 कॉस्ट है, तो क्या इंजन है 4,50,000 रुपए का, नहीं। ये जो ना इनका दिमाग है, अब जो है ना इनको बेचनी नहीं है, बेचनी होती तो प्राइस रखते ये कम,
इनको बाइक बेचनी नहीं है, इंडियन मार्केट में इनको बाइक बेचनी होती तो ये जो है यहीं पे अपनी असेंबली वगैरह सब कुछ करते और प्राइस भी कम करते। अब जो बुकिंग्स आएंगी ना वो देखना हाथों हाथ मिलेंगी भी नहीं जल्दी से, ठीक है जब तक स्टॉक है ही दे देंगे, लेकिन जिस दिन स्टॉक खत्म हुआ ना ये बाइक की डिलीवरी जल्दी से नहीं कर पाएंगे और टाइम लगेगा। उसके बाद ये बुकिंग अमाउंट भी आपसे ज़्यादा लेंगे कहीं ना कहीं, ये नहीं है कि 2-4 हज़ार में आपकी बुक कर दी। उसके बाद एक और चीज़ बता दूँ, ये जो बाइक्स है ना सारी बाहर से इंपोर्ट होने वाली है, क्योंकि इस बाइक में कुछ भी नहीं है, सेम वही है जो बाहर थी ना, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ना क्विक शिफ्टर, ना TFT डिस्प्ले है, और ना इस बाइक के अंदर कोई खास फीचर्स हैं जो होने चाहिए इस सेगमेंट में, और तो इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच भी नहीं है, तो किस चीज़ के पैसे देंगे हम, कोई सेंस नहीं बनता। 5 लाख रुपये मत डुबाना इस बाइक के ऊपर, इससे बढ़िया आप लोग कोई और बाइक ले लो, ड्यूक 390 ले लो। फेयरिंग में जाना चाह रहे हो R3 को रिप्लेस करने के लिए तो आप लोग RC 390 ले सकते हो, बट वो लुक्स इतने बढ़िया नहीं है, तो आप लोग Aprilia RS 457 ले लो आँख बंद करके, वो जो बाइक है इससे कहीं अच्छी है, कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है। तो ये था यार आज का एक छोटा सा अपडेट। अब आपके कोई भी डाउट्स हो ना तो नीचे कमेंट करना, बाकी यार मत कर देना गलती बस लेके, फिर से यही बोलूँ। हाँ तो चलो यार मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।